मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं प्रोफेसर जोसेफ हाइटर को जो अपनी मर्सिडीज में बैठा होता है और एक पिक्चर को देख रहा होता है। उस पिक्चर में तीन डॉग आपस में कुछ इस तरह खड़े होते हैं कि एक के पीछे दूसरा और तीसरा उसके पीछे खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ट्रक आता है और ट्रक का ड्राइवर जंगल की तरफ टॉयलेट करने के लिए जाता है। तभी प्रोफेसर जोसेफ कार से निकल कर अपनी बंदूक तान लेता है। इसके बाद हम दो लड़कियों को देखते हैं जिसमें एक का नाम जेनी और दूसरी का नाम लिंडसे होता है। वह दोनों अमेरिका से बिलोंग करती हैं पर आउटिंग के लिए जर्मनी आई होती हैं। उन्होंने पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए एक क्लब में जाना था पर किस जगह जाना था उसकी एग्जैक्ट लोकेशन लिंडसे कॉल पर ले रही ऐसे तो वह दोनों ट्रैवलिंग करती रहती हैं लेकिन जर्मनी के बारे में उन्हें कुछ खास अंदाज़ा नहीं था। वह दोनों एक रेंटेड कार लेती हैं और पार्टी वाली जगह के लिए रात को चल पड़ती हैं। उन्हें पार्टी की एग्जैक्ट लोकेशन तो पता नहीं थी। वह जंगल से गुजरती हुई काफ़ी दूर निकल जाती हैं और अपना रास्ता भटक जाती हैं। वे प्रॉब्लम में तब फंस जाती हैं जब जेनी एक टर्न लेती है और उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वह लोग रिपेयरिंग वाले को भी कॉल करती हैं पर वह जंगल होने के वजह से उनके मोबाइल पर सिग्नल नहीं आ रहा होता है और वह मेन रोड में ऐसे फंस जाती हैं जिसके आसपास कोई आबादी भी नहीं होती। फिर वह डिसाइड करती हैं कि उन्हें कार पर ही रहना चाहिए और उस रोड से गुजरने वालों से मदद मांगनी चाहिए। फिर कुछ देर बाद वहाँ से एक कार गुजरती है। वह दोनों उससे मदद मांगती हैं। उस कार में एक बूढ़ा शख्स बैठा होता है। वह उन दोनों को अकेला देखकर अजीब और गरीब इशारे करता है जिस वजह से वह डर जाती हैं और कार को अंदर से ही लॉक कर लेती हैं। फिर वह कार वहाँ से चली जाती है और वह एक घर ढूंढने की तलाश में निकल जाती हैं जहाँ से वह अपनी मदद के लिए किसी को कॉल कर सकें। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक घर से लाइट आती नज़र आती है और वह उस घर की तरफ चल पड़ती है। फिर वहाँ पर बारिश होना चालू हो जाती है और काफ़ी ज़ोर से बारिश होने लगती है। वह उस घर तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी भीग जाती हैं। फिर वह उस दरवाजे पर नॉक करती हैं और अंदर से प्रोफेसर जोसेफ निकलकर बाहर आता है। वह दोनों अपनी प्रॉब्लम के बारे में उसे बताती हैं और वह कहती हैं कि वह इमरजेंसी कार रिपेयरिंग वाले को कॉल करे। उन दोनों को अकेला देखकर प्रोफेसर उन दोनों को अंदर बुला लेता है। प्रोफेसर के घर में अजीब और गरीब पेंटिंग लगी हुई होती हैं जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग होती हैं। फिर प्रोफेसर उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों ट्रैवलर हो। वो कहती हैं हाँ हम दोनों ट्रैवलर हैं और अमेरिका के रहने वाले हैं, यहाँ बस घूमने आए हैं। फिर वे लड़कियों से पूछता है कि क्या तुम दोनों आपस में रिलेटिव हो। वो बोलती हैं नहीं हम आपस में सिर्फ फ्रेंड्स हैं। फिर प्रोफेसर वहाँ से उठ जाता है और पानी लेने के लिए किचन में जाता है। वहाँ वे एक कॉल भी कर रहा होता है जिससे जेनी और लिंडसे को लगता है कि वह कार सर्विस वाले को फ़ोन कर रहा होता है और वह पानी में ड्रग मिला देता है जिसे लिंडसे पूरा पी लेती है। पर जेनी से ग्लास नीचे गिर जाता है जिसे देखकर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वह पानी साफ करने के लिए टॉवल लेने बेसमेंट में जाता है और वहाँ एक इंजेक्शन फिल कर लेता है। दूसरी तरफ लिंडसे को उसकी दी गई दवा का असर होना शुरू हो जाता है पर जेनी को उसका असर कोई नहीं होता। जेनी फिर प्रोफेसर को फ़ोन करने के लिए बोलती है पर वह उसे इग्नोर कर देता है और उसे इंजेक्शन लगा देता है जिससे जेनी भी बेहोश हो जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि प्रोफेसर अपना ब्रेकफास्ट ले रहा होता है और जेनी एंड लिंडसे को होश आ जाता है और वह अपने आप को प्रोफेसर की लैब में पाती हैं। वह दोनों बंधी हुई होती हैं। उन दोनों के अलावा वहाँ एक तीसरा आदमी भी होता है जो कि ट्रक ड्राइवर होता है। फिर प्रोफेसर वहाँ आता है और ट्रक ड्राइवर को कहता है तुम मैच नहीं होते और तुम्हारा मरने का टाइम आ गया है और फिर उसे एक पॉइजनस इंजेक्शन दे देता है जिसकी वजह से वह वहाँ तड़प तड़प कर मर जाता है। प्रोफेसर ड्राइवर की लाश को अपने गार्डन में दफन कर देता है और हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक अपनी बेहोशी वाली दवा से एक आदमी को बेहोश कर कर लाता है जिसका रिलेशन जापान से होता है और उसे जेनी और लिंडसे के साथ बांध देता है। फिर उन दोनों को होश आता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। तभी प्रोफेसर उनके सामने आ जाता है और उनकी कन्फ्यूजन दूर कर देता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं हूँ प्रोफेसर जोसेफ, मैं एक रिटायर्ड सर्जन हूँ पागल डॉक्टर का जिसे जानदार चीज़ों को आपस में जोड़ने में काफ़ी मज़ा आया करता था। उसने फ़िलहाल में ही तीन डॉग्स को आपस में जोड़ा था और ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट वह इन तीनों के साथ करने वाला था क्योंकि उनके स्किन टिश्यू आपस में मैच हो रहे होते हैं। वह उन्हें ऑपरेशन के बारे में बताता है। वह कहता है कि सबसे पहले वह उनके पैर के लिगामेंट को हटा देगा जो कि एक जॉइंट है जो पैर को जोड़ कर रखते हैं जिसके वजह से वह लोग खड़े नहीं हो पाएंगे। फिर वह बताता है कि वह सब्जेक्ट टी पर यह भी ट्राई करेगा कि उसके जबड़े दांत और हिप्स को निकाल कर
सब्जेक्ट बी को ए की बैक साइड से जोड़ेगा और सब्जेक्ट सी को बी की बैक साइड से। फिर वह उनकी हिप की स्किन को उतार कर उनके जबड़ों की स्किन को वहाँ पर लगा देगा और तीनों को आपस में इस तरह जोड़ेगा जैसे डायग्राम में नज़र आ रहा है। और जब सब्जेक्ट ए खाना खाएगा तो खाना ए के बॉडी से होता हुआ वेस्ट बनकर बी के बॉडी में चला जाएगा और बी के बॉडी से होता हुआ सब्जेक्ट सी के बॉडी में चला जाएगा। इस तरह का घटिया और गंदा एक्सपेरिमेंट कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। वो एक पागल, संकी और बहुत ही घटिया आदमी है जो इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसका ये पहली बार किसी ह्यूमन के साथ इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट होता है। सबसे पहले वो जैपनीज आदमी को बेहोशी का इंजेक्शन देता है और जेनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। प्रोफेसर उसकी तरफ आता है और उसको भी दूसरी इंजेक्शन देने लगता है। तभी लिन से अपने दांतों से अपनी पट्टी खोलकर वहां से भागने लगती है। उसके हाथ में नूडल्स लगी हुई होती हैं जिसकी वजह से उसे काफ़ी चोट आ जाती है और ब्लीडिंग चालू होने लगती है। वो एक रूम में चली जाती है और उसका डोर बंद कर लेती है, लेकिन डॉक्टर उस रूम की विंडो तोड़कर आ जाता है और लिन से वहाँ से भाग जाती है। वह जाकर एक पूल में गिर जाती है और प्रोफेसर वहाँ पर अपनी गन लेकर आ जाता है और पूरे पूल को कवर कर देता है, लेकिन फौरन ही लाइट चली जाती है और लिन से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। वह फिर प्रोफेसर के लैब में आती है और जेनी को खोलती है क्योंकि जेनी इंजेक्शन की वजह से बेहोश होती है। लिन से जब जेनी को घसीट कर बाहर लेकर आती है तब प्रोफेसर उसे पीछे से गोली मार देता है और उसे बेहोश कर वापस अपनी लैब पर ले जाता है। फिर वो उनका ऑपरेशन शुरू करता है और सबसे पहले उनके लिगामेंट बाहर निकालता है और उनके दांतों को तोड़ देता है। फिर वह मार्कर से उन सबके शरीर पर निशान लगाता है और उनके चेहरे की खाल को निकाल देता है और अंदर से मांस को भी निकाल देता है और वह काफ़ी लंबा ऑपरेशन करता है। फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि प्रोफेसर ड्रिंक कर रहा होता है और उसके सामने ज़मीन पर उसका बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीपेड पड़ा होता है। लिनों की चोट अभी ठीक से सही नहीं हुई होती है पर प्रोफेसर उन्हें ज़बरदस्ती खड़ा करने की कोशिश करता है और वह इस तरीके से जुड़े होते हैं कि सबसे आगे वह जैपनीज आदमी होता है, बीच में लिन से होती है और आखिर में जेनी होती है। इसके वजह से जेनी उन लोगों की टेल बन जाती है। उन लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही होती है पर प्रोफेसर उनको खड़ा करके उनकी फ़ोटोज़ खींच रहा होता है। फिर उन तीनों को मिरर में दिखाता है। उन दोनों को अपनी हालात देखकर रोना आ रहा था। वह उन्हें पिंजरे में रखता था और उनके साथ जानवरों की तरह व्यवहार करता था। वह उन्हें खाना भी कुत्तों की तरह देता था। हमें दिखाते हैं कि वह उनके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार कर रहा होता है और उन्हें लेकर बाहर चला जाता है। जैपनीज आदमी को वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस होती है और उसका सारा ह्यूमन वेस्ट लिनसे के मुँह में चला जाता है और मजबूर होने के वजह से लिनसे को वह निगलना पड़ता है और इसे देखकर सच में बहुत ही गंदा लगता है। और फिर एक दिन प्रोफेसर उनका चेकअप करता है जिसे उसे पता चलता है कि जैपनीज आदमी तो ठीक है पर लिनसे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है क्योंकि लिनसे उस आदमी का वेस्ट मटेरियल डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी और जेनी जिस तक अभी कोई रिसोर्स ऑफ पावर नहीं पहुँचा है वह काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और उसके जख्म भी अभी काफ़ी ताज़ा थे। ऐसा लग रहा था वह जल्द ही मरने वाली है। प्रोफेसर उनकी जगह चेंज करने के बारे में सोचता है तभी दो पुलिस वाले उसके दरवाजे पर आकर नॉक करते हैं। वे पुलिस वाले वहां जेनी और लिनसे को ढूंढने आए थे क्योंकि वे दोनों काफ़ी दिनों से गायब थी और उनकी कार प्रोफेसर के घर के कुछ दूर पार ही मिली थी। प्रोफेसर उन्हें बताता है कि वह एक डॉक्टर है और अपनी फील्ड में बहुत बिजी रहता है और उसे बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता है। वह उन लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। प्रोफेसर उनसे कुछ पीने के लिए बोलता है और वो बोलते हैं कि उन्हें कॉफ़ी चाहिए पर वह उन्हें कॉफ़ी के लिए मना कर देता है और बोलता है कि नहीं तुम्हें सिर्फ पानी मिलेगा, जिससे पुलिस वालों को उसकी तरफ शक होने लगता है। तब वह पुलिस वाले उससे ट्रक ड्राइवर के बारे में पूछते हैं जिसके पास उसकी गाड़ी मिली थी। तब वह गुस्सा हो जाता है और उन लोगों को पानी पीने के लिए कहता है। इस पर वह पुलिस वाला पानी फेंक देता है और टावल लेने के बहाने प्रोफेसर फिर से बेसमेंट में जाता है और फिर से इंजेक्शन फिल कर लेता है पर इस बार उसका काम नहीं बनता और वो एक्सपोज हो जाता है। फिर वो अपनी सफाई में यह बोलता है कि आप किसी भी आदमी को बिना वजह परेशान नहीं कर सकते और बिना किसी वारंट के तुम मेरे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, इसलिए वो लोग वारंट लेने चले जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर अपनी लैब में आता है और उसे अपना ह्यूमन सेंटीपीड दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो तीनों छिप जाते हैं और सर्जिकल नाइफ को
प्रोफेसर के पैर में मार देते हैं जिससे वह गिर जाता है और जैपनीज आदमी उसके गले में काट लेता है और उसका मांस बाहर उसके मुंह में आ जाता है। वो तीनों छत पर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वह तीनों एक दूसरे से बंधे होते हैं। उन्हें छत पर जाने पर बहुत मुश्किल होती है और उनकी स्टिचेस से ब्लीडिंग भी होना चालू हो जाती है। वे छत पर बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं और प्रोफेसर उनके पीछे आ जाता है और वह सीढ़ियों पर पड़ा हुआ खून चाटने लगता है। जैसे ही वह लोग छत पर पहुंचते हैं प्रोफेसर भी वहां आ जाता है और जैपनीज आदमी एक शीशा तोड़ देता है। वह शीशे से अपना गला काट लेता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर वहां पर वह पुलिस वाले पहुंचते हैं और देखते हैं कि यहां पर कोई नहीं है। फिर वह दोनों उसकी लैब में जाते हैं और वहां पर भी कोई मौजूद नहीं होता। फिर दूसरे पुलिस वाले को उसकी दी हुई पानी में दवा का असर होना शुरू हो जाता है। दूसरा ऑफिसर वहाँ पर छानबीन करता है और उसे वह तीनों सेंटीपीड मिल जाते हैं। वह उनकी हालत काफ़ी बुरी हुई होती है। फिर वह ऑफिसर प्रोफेसर को पकड़ने के लिए जाता है जो पूल पर बैठा होता है और उसका दूसरा पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर मरा होता है। वह एक पुलिस ऑफिसर की पिस्तौल की तरफ गोली चलाता है और उसके बदले में दूसरा पुलिस ऑफिसर भी जोसेफ की तरफ गोली चलाता है जिससे दोनों मर जाते हैं। प्रोफेसर के बनाए हुए ह्यूमन सेंटीपीड के अलावा वहाँ पर कोई नहीं बचता है। यह एक मैड साइंटिस्ट के घटिया से एक्सपेरिमेंट की कहानी थी और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।